वर्तमान मु बाकी जो 13 प्रस्ताव आज मंत्रिमंडल उपस्थापन करा जाइथला एवं मंत्रिमंडल ताकू सदा विचार करी स्वीकृति प्रदान करिसेंती से संपर्क रे ब्रीफिंग करी। चारि गोटी प्रस्ताव थिला ग्राम्य उन्नयन विभाग रो। प्रथम प्रस्ताव होची मुख्यमंत्री सड़क योजना कनेक्टिंग अनकनेक्टेड विलेजेस इन डिफिकल्ट एरियाज होची MMSY कुबड़ा। यही प्रोग्राम रे जो नक्सल अधिष्ठित जिला पहाड़िया अंचल जो अपहंच असंयोजित ग्राम जो अच्छी LWE एवं दुर्गम पार्वत्य अंचल तथा असंयोजित द्वीप गुड़ी को निकटवर्ती मुख्य सड़क सहित तो जोड़ीबा लक्ष्य रे यही योजना एक प्रस्तुत करा जाएगी। यही योजना रे 2 वर्ष आगामी 2023-24 एवं 24-25 यही 2 वर्ष रे मोट 976 कोटी टंका व्यय बराद रे 361.34 किलोमीटर नूतन रास्ता करने सहित तो चालू रही समस्त रास्ता प्रकल्पर निर्माण कार्य संपन्न करने आज मंत्रिमंडल सदैव अनुमोदन देखते। यहाँ फल संपृक्त अंचल स्थानीय बासिंदा मान आर्थिक एवं सामाजिक उन्नतिकरण हो पार तथा ग्रामांचल पंचायत कार्यालय चिकित्सालय शिक्षानुष्ठान मुख्य बजार पर्यटन स्थल व्यवसाय केन्द्र इत्यादि संजोगी संजोगीकरण उन्नति मानर हो पार। तेणु MMSY कुबड़ा ये जो नुआ स्कीम 2 वर्ष 976 कोटी टंका व्यय करा आज कैबिनेट ताकू अनुमोदन देते। द्वितीय प्रस्ताव ग्राम्य उन्नयन विभाग मुख्यमंत्री सड़क योजना अंतर्गत ट्रांसफर्ड रोड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम बा ट्रिप MMSY ट्रिप योजना राज्य सरकार लॉन्च करथिले। एथिरे पंचायतराज विभाग तथा अन्य विभाग किछि रास्ता ग्राम्य उन्नयन विभाग को अतीत ट्रांसफर करा जायथिला एवं एबे मध्य विभिन्न विभाग रु किछि रास्ता ट्रांसफर करिया पे प्रस्ताव रहिछि। यही ट्रांसफर्ड रोड गुड़िक बा जो रास्ता गुड़ी को हस्तांतरित तो करा जाउची ग्राम्य उन्नयन विभाग को से रास्ता गुड़िकर उन्नतिकरण पाई राज्य सरकार 2023-24 एवं 2024-25 2 वर्ष 1893 कोटी टंका व्यय बराद रे आनुमानिक 1814.92 किलोमीटर नूतन रास्ता निर्माण करिवे एवं जो चालू रही प्रकल्प अंडर रे स्कीम अंडर रे जो प्रकल्प गुड़िक चालू रही तार कार्य को संपूर्ण करा उद्देश्य रे मुख्यमंत्री सड़क योजना हस्तांतरित तो रास्ता गुड़िकर उन्नतिकरण शीर्षक जो योजना अच्छी ये योजना रे 2 वर्ष 1893 कोटी टंका व्यय बराद करा जीवो एवं 1814.92 किलोमीटर नुआ रास्ता तैयारी करा जीवो एवं जो रास्ता गुड़िकर काम ये स्कीम रे चालूची तहार संपूर्ण करा जीवो। तृतीय प्रस्ताव टी ग्राम्य उन्नयन विभाग थिला जो प्रचलित जो वर्तमान जो अच्छी मुख्यमंत्री सड़क योजना ग्राम्य उन्नयन अधीनस्थ रास्ता गुड़िकर उन्नतिकरण वर्तमान जो रास्ता गुड़िक ग्राम्य उन्नयन विभाग अच्छी से गुड़िकर उन्नतिकरण पाई एक नुआ योजना तैयारी करा जायथिला। एही योजना फल चिकित्सालय शिक्षानुष्ठान मुख्य बजार पर्यटन स्थल व्यवसाय केन्द्र पंचायत कार्यालय इत्यादि गुड़ी उन्नत मानर सबुदिनिया सड़क सुविधा जोगाई देवा लक्ष्य यही योजना को प्रणयन करा। आज राज्य कैबिनेट यही योजन 2 आर्थिक वर्ष यथा 23-24 एवं 24-25 23-24 एवं 24-25 2 वर्ष 918 कोटी टंकार व्यय बराद आनुमानिक 554.67 किलोमीटर नूतन रास्ता निर्माण करने सहित चालू रही प्रकल्प गुड़ी को संपन्न करने योजना करी। प्रस्ताव को राज्य मंत्रिमंडल अनुमोदन कर। ग्राम्य उन्नयन विभाग चतुर्थ प्रस्तावटी हूँ जो एक्जिस्टिंग स्कीम अच्छी वर्तमान चालू रही गोटे योजना जार नाँ हूँ मुख्यमंत्री सड़क योजना कनेक्टिंग मिसिंग रोड लिंक्स MMSY CMRL। ये हूँ जे
बेले बेले विभिन्न ब्लॉक भितरे रास्ता तैयारी किंतु गोटे ब्लॉक रु आउ गोटे ब्लॉक को जीवापे जो छोटिया छोटिया कनेक्टिविटी मिसिंग अच्छे से भाई जिला गोटे जिलार आउ गोटे जिला आम राज्य रु अन्य राज्य पड़ोसी राज्य को जीवापे जो अल्प छोटिया छोटिया मिसिंग पर्सन अच्छे से मिसिंग लिंक गुड़ी को थ्रु करने जो योजनाटी प्रणयन कर आंतराज्य आंतः जिला एवं आंतः ब्लॉक मध्य असंयोजित रास्ता गुड़िक मुख्य रास्ता सहित संयोगीकरण लक्ष्य नहीं जो योजना तैयारी करा जायथला एही योजना अंतर्गत दुई वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 एही दुई आर्थिक वर्ष 1160 कोटी टंका व्यवराद करा जाई आनुमानिक 673.5 किलोमीटर नूतन रास्ता तथा सेतु निर्माण एवं यही योजना अनुसार जो प्रकल्प गुड़िक चालू रही तार कार्य समापन कर 1160 कोटी टंका यह दुई वर्ष खर्च कर आज यही प्रस्ताव को राज्य मंत्रिमंडल स्वीकृति प्रदान कर चारोटी प्रस्ताव ग्राम्य उन्नयन विभाग जो चारोटी प्रस्ताव रही रहा आज राज्य मंत्रिमंडल स्वीकृति प्रदान कर चारोटी प्रस्ताव राज्य सरकार निजस्व बजेट्रु 4947 कोटी टंका व्यय करिवे आज कैबिनेट ताको अनुमोदन देइछन गोटिया प्रस्ताव WCD डिपार्टमेंट महिला और शिशु विकास विभाग तरफ आज मंत्रिमंडल सम्मुख रे उपस्थापन करा जायतला जहाँ आज स्वीकृति लाभ करिछि ताहाला मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना MSPY जहाँ लक्ष्य होउछि 15-19 वर्ष पर्यंत समस्त किशोरी बालिका गर्भवती महिला प्रसूति माँ तथा सीवियरली एक्यूट मालनरिस्ट और MAM सैम आउ एम मैम चिल्ड्रेन एवं SUW शिशु मानकर पुष्टिगत एवं स्वास्थ्यगत उन्नति निमन्ते यही जो नूतन योजना को अनुमोदन करा जाइछि यही योजना 2023-24 मसीहारु कार्यकारी हेबो एवं 5 वर्ष पई यही योजना वर्तमान आज राज्य कैबिनेट अनुमोदन कर जो मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना 5 वर्ष पई चालू रहिबो यही योजना पई 3354.40 कोटी व्यय मंजूर मध्ये करा जाय आज करा जाय छि एथिरे ICDS प्रोजेक्ट स्तर रे किशोरी मानक पई पुष्टिगत उन्नति निमते अंडा लड़ू पुष्टिकर सप्लीमेंट इत्यादि जोगाई दीजिए किशोरी मेला आयोजन करा जीवो रक्तहीनता स्क्रीनिंग करा जीवो एवं अन्यान्य कार्यक्रम संगठित करा जीवो से भली गर्भवती महिला और प्रसूति माँ मानंकु अतिरिक्त टेक होम रेशन आकार रे अंडा मिलेट एवं पुष्टिकर खाद्य पदार्थ इत्यादि जोगाई दीजिए सैम मैम एवं अंडर नरिश्ड चिल्ड्रेन मैं 6 वर्ष रु कम जो मैंने अच्छा अगमेंटेड THR जो टेक होम रोशन अगमेंटेड टेक होम रोशन रेशन एवं अंडा जोगाई दिजिव यही जो कार्यक्रम 5 वर्ष पर्यंत चालू रही है एथिरे 3354.40 कोटी टंका खर्च कर आज राज्य मंत्रिमंडल यह स्वीकृति प्रदान कर आउ गोटे प्रस्ताव थी अर्थ विभाग जो थे बेसिकाली ओडिशा द्रव्य और सेवाकर GST संशोधन विधेयक 2023 करवाई आज कैबिनेट ताको अप्रूव कर टिकसदाता एवं टिकस कर्तृपक्ष केतक जो अधिक सुविधा जोगाई देवाई प्रस्ताव रही है जो मैंने ई कमर्स ऑपरेटर अच्छा से मैंने जो सामग्री जोगाण में नियोजित पंजीकृत व्यक्ति कंपोजिशन लेवी अधीन टैक्स देवा उपर लगिता प्रतबंधक को हटाई दि जा दिजार प्रस्ताव रही जड़े कर प्रदान करी टिकस योग्य व्यक्ति प्राप्त द्रव्य सेवा बा उभय को कंपानी अधिनियम 2013 धारा 135 दर्शाई कॉर्पोरेट CSR अधीन दायित्व सम्बन्धी कार्यकलाप व्यवहार करते से लगी इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध होबना सेमती पंजीकरण रद्द आदेश प्रत्याहार करने आदेश ग्रहण करिवार 30 दिन मध्य आवेदन करिया लगी व्यवस्था रही बर्तमान यह संशोधन कर सरकार को ये क्षेत्र में समय सर्त और प्रतबंधक संपर्क में अधिक नमनीयता प्रदान करार क्षमता दिजार प्रस्ताव रही
ସେହିପରି ଏଇ ଯେଉଁ GST ଆଇନରେ ଆମର କିଛି ଆପେଲେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ଗଠିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ମାନେ 2017 ଆକ୍ଟରେ ଗଠିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବା ଟିକସ ଆପେଲେଟ୍ ଟ୍ରାଇବୁନାଲକୁ ଅପିଲ୍ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବା କର ଅଧିନିୟମ ଅଧୀନରେ ଆପେଲେଟ୍ ଟ୍ରାଇବୁନାଲ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଓ ଆପେଲେଟ୍ ଟ୍ରାଇବୁନାଲର ଏରିଆ ବେଞ୍ଚ କିମ୍ବା ଜାତୀୟ ବେଞ୍ଚ କିମ୍ବା ଆଞ୍ଚଳିକ ବେଞ୍ଚ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରଧାନ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଓ ରାଜ୍ୟ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଗଠନ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। କେତେକ ଅପରାଧକୁ ଅପରାଧମୁକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଉକ୍ତ ଅପରାଧ ପାଇଁ ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସୀମାକୁ ଯେଉଁ ଆଗରୁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଭିତରେ ଥିଲା ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ କ୍ରିମିନାଲ ଲାଇବିଲିଟି ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ତାକୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସରଳୀକରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହିଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦେୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶା ଗୁଡ଼ସ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସେସ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ 2023ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତାକୁ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ବିଧେୟକକୁ ବିଧେୟକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆଜି ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ। ତାପରେ ହେଉଛି ଜେନେରାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ଏଜେଣ୍ଡା ମୁଭ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସହର ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ତାର ରିପୋର୍ଟରେ ପାରା 48 ସବ୍ପାରା 7 ଅନୁସାରେ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥିଲା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନେରି କୋଟାରେ ଆଲର୍ଟି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଆଲର୍ଟି କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ ଏଇ ଇଟ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ସଜେଷ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦି ରିପୋର୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦି କ୍ୟାନସେଲେସନ୍ ମେ ନଟ୍ ବି ଡନ୍ ଇନ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଆଲର୍ଟି ଗେଟିଂ ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ପ୍ଲଟ୍ ଅର୍ ହାଉସ୍ ଅର୍ ଫ୍ଲାଟ୍ ଥ୍ରୁ ଫେୟାର୍ ମିନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ବାଇ ଫଲୋଇଂ ଦି ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ ଫର୍ ସଚ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ। ତେଣୁ ଆଜି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦେୟାର୍ ଫୋର୍ ଡିସାଇଡେଡ୍, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ହାଜ୍ ଡିସାଇଡେଡ୍ ଟୁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ୍ ଦି ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦି ଆଲର୍ଟିଜ୍ ଗେଟିଂ ୱାନ୍ ପ୍ଲଟ୍ ହାଉସ୍ ଫ୍ଲାଟ୍ ଥ୍ରୁ ଫେୟାର୍ ମିନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ବାଇ ଫଲୋଇଂ ଦି ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ ଫର୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଅଫ୍ ସଚ୍ ଆଲର୍ଟମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଫେଭର୍ ଅଫ୍ ଦି ଲିଗାଲ୍ ହେୟର୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଓରିଜିନାଲ୍ ଆଲର୍ଟି ଅଣ୍ଡର ଦି କାଟେଗୋରି ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ ପୋଜେସନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କେସେସ୍ ଫ୍ରମ୍ ପର୍ ଭ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଦି ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ରିପୋର୍ଟ। ଆଜି ଏହାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିଲା, ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ମେଥଡ୍ ଅଫ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଫ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଅଫ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆଣ୍ଡ ମେମ୍ବର୍ସ ରୁଲ୍ 1995କୁ ଆମେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ, ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ। ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବା ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ସେବା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ନିୟମ 1995ରେ ଏରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସଂଶୋଧନ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶା ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଥିବା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ବୟସ ସୀମାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଆଗରୁ 62 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରିଥାନ୍ତେ, ଏବେ ତାହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି 65 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୟସ ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ବେତନ ବୃଦ୍ଧି, ଅତିରିକ୍ତ ପେନ୍ସନ୍ ନିବୃତ୍ତ କରିବା, ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସେବା ଓ ଆୟୋଗର ସେବା ବିଚାରକୁ ନେଇ ସର୍ବାଧିକ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଟି ସୀମା 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସେବାର ଅବସର ବୟସ ସେବାର ଅବସର ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ GPF ବା CPF'ର ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଓ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସେବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପରି LTC ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହୋଇଛି। ଏହିସବୁ ଯେଉଁ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକ ସଂଶୋଧିତ ଓଡ଼ିଶା କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରବରଣ ଆୟୋଗ ନିୟମାବଳୀ 1995ର ସଂଶୋଧନକୁ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଆଇନ ବିଭାଗର ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଟୁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ଲାଇନ୍ ଦି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ଆପଏଣ୍ଟ ମୋର କ୍ୱାଲିଫାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସୁଇଟେବୁଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଇନ୍ ଦି ଗ୍ରୁପ୍ ବି ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୁପ୍ ସି ପୋଷ୍ଟ ଫର୍ ସ୍ମୁଥ୍ ଫଙ୍କସନିଂ ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ଜୁଡ଼ିସିଆରି। ଓଡ଼ିଶା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଉ ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ କୋର୍ଟ୍ସ ନନ୍ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ମେଥଡ୍ ଅଫ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଫ୍ ସର୍ଭିସ୍ ରୁଲ୍ 2008କୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ 3ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଜି ପାରିତ ହୋଇଛି କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ସମ୍ପର୍କରେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିବରଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ 2ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଶୀତଳପଲ୍ଲୀ ଗାଁ କୋନିସି ତହସିଲ ଅଞ୍ଚଳର ତହସିଲର ଶୀତଳପଲ୍ଲୀ ଗାଁରେ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଗୋଟିଏ ମଲ୍ଟି ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ
एस्टाब्लीश करिसेंती। हाउएवर आफ्टर सैंक्शन ऑफ लीज टाटा स्टील लिमिटेड जो 43 प्रतिष्ठान निम्ते जो जोगे दिया है 43.050 एकर सरकारी जमीवाद को इनसीडेंटल चार्ज और दखल दि जा दिन ठीक आज पर्यंत लागू होता वार्षिक राजस्व और वार्षिक सेस एवं समस्त बकाया देय उपर सुध छाड़ करने निम्ते राज्य सरकार प्रस्ताव को आज राज्य मंत्रिमंडल स्वीकृति प्रदान करिसेंती। तेबे टाटा स्टील लिमिटेड उक्त लीज जमी को लीज रे नेबा पर निमंते वर्तमान ठारु रिहाती मूल्य रे एकर प्रति वार्षिक 100 टंका भू राजस्व एवं भू राजस्वर 75% हिसाब से वार्षिक सेस देबे जो 43.005 एकर जो हॉस्पिटल पे जो जमी दियोगे दिखाई तापी लागू करा सेपरी आज गोटे गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति आज राज्य मंत्रिमंडल नहींचंती जो थे विभिन्न दातव्य अनुष्ठान यथा भिन्नक्षम उद्दिष्ट अनुष्ठान अनाथ आश्रम दृष्टिहीन निम्ते विद्यालय और गोशाला पर अनुष्ठान मानक सरकार द्वारा प्रणीत नीति अनुजाई बा सरकार स्वतंत्र आदेश अनुजाई धार्य परिमाण मुताबक सरकारी जमी लीज प्रदान क्षेत्र में उक्त अनुष्ठान गुड़िक द्वारा खजना बाबद वार्षिक एकर प्रति 100 टंका दर में भू राजस्व एवं सेस बाबद वार्षिक खजणार शतकड़ा 75% देय निमंते सरकार प्रस्ताव को आज राज्य मंत्रिमंडल स्वीकृति प्रदान कर स्टील एंड माइन्स डिपार्टमेंटर गोटे प्रस्ताव आज राज्य कैबिनेट अप्रूव कर जोटा हूँ राज्य भितर जो शिल्प गुड़िक राज्य भितर शिल्प गुड़ को कंचामल सुरक्षा जोगाइ देवा निमंते राज्य सरकार ओडिशा खनि निगम ओएमसी माध्यम लॉन्ग टर्म लिंकेज नीति जहाँकि अगस्ट 16 अगस्त 2022 तारीख रु लागू करा जायतिला एवं तापर 23 सेप्टेम्बर 2022 रे प्रकाशित होईछि। एही पूर्व लॉन्ग टर्म लिंकेज नीति को प्रत्याहार करा जाय ओडिशा खनि निगम लिमिटेड ओएमसी माध्यम रे ओडिशा भित्तिक शिल्प पाई खनिज पदार्थ गुड़िकर नूतन लॉन्ग टर्म लिंकेज नीति 2023 कैबिनेट द्वारा आज अनुमोदित होउछि जार मुख्य अंश होउछि ओडिशा राज्य रे प्रतिष्ठित हेबाकु थिबा आगामी ग्रीन फील्ड बा ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट गुड़िक जहाँकि स्टेट लेवल सिंगल विंडो क्लीयरेंस अथॉरिटी बा हाई लेवल क्लीयरेंस अथॉरिटी बा अन्य कौन से दक्ष प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित होइतिबो सेई भली शिल्प गुड़िक दीर्घकालीन कंचामाल सुरक्षा जोगाई देवा यही नूतन नीतिर लक्ष्य। यह नीति अनुजाई गठित आवंटन कमिटी उक्त प्रकल्प गुड़िक आवंटन मानदंड चूड़ांत आवंटन परिमाण कार्यकाल अन्यान्य शर्तावली निर्णय करेंगे। यह नीति अनुजाई परिचालित समस्त खनिज पदार्थ गुड़िक मूल्य स्थिर करने प्रचलित मूल्य निर्धारण प्रणाली में समानता निश्चिंत कर एवं आज शेष प्रस्तावटी हूँ निर्माण विभाग आपण मैंने जानते राज्य में अभड़ा योजना 2017-18 मसीह प्रणीत होटा कि पुरी को एक विश्वस्तरीय हेरिटेज सिटी करने सहित टू प्रिजर्व एंड रिभाइटालाइज दि हेरिटेज सिटी प्रणयन करा आगुरु स्टेट कैबिनेट योजनापी 3208 कोटी टंकार व्यय अटकल को अनुमोदन करते योजना अधीन अनेक प्रकल्प कार्यकारी होती प्रकल्पर कार्यकारिता समय अनुमोदित प्रकल्प गुड़िकर किसी पर आवश्यकता उपलब्ध आवश्यकता फिल कर किसी अतिरिक्त प्रकल्प हाथ को नेबार आवश्यकता पड़ी जहाँफल अतीत राज्य कैबिनेट जो 3208 कोटी टंकार व्यय अटकल मंजूर करते वर्तमान से ही योजना मोट अटकल वृद्धि पाई वर्तमान ता 4224.22 कोटी टंका वृद्धि पाई आज राज्य कैबिनेट यही अभड़ा योजनार पुनः अटकल
जहाँकि 4,224.22 कोटी टंका को अनुमोदन करने सहित यार कार्यकारी समय 2017-18 मसीह 2024-25 मसीह पर्यंत स्थिर करछनि। तेणु अभड़ा योजनार परिवर्तित व्यय अटकल को राज्य सरकार 3208 कोटी टंका 4,224.22 कोटी टंका को वृद्धि करछन्ति एवं एही योजना 2024-25 मसीहा भितरे संपूर्ण करिवार लक्ष्य धार्य करछन्ति। धन्यवाद।